गणेश चतुर्थी पर दीपिका रणवीर के घर आई लक्ष्मी। बेबी गर्ल के माता पिता बने बाजीराव मस्तानी। भवनानी और पादुकोण परिवार में गूंजी किलकारी। 8 सितंबर की सुबह मिली खुशियों भरी खबर। भक्तों के घर गणपति देवा विराजे हुए हैं और इसी बीच रणवीर दीपिका के घर हुआ लक्ष्मी का आगमन। जी हां, शादी के 6 साल बाद बॉलीवुड के बाजीराव मस्तानी मम्मी पापा बन गए हैं। मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में दीपिका ने दिया है बेबी गर्ल को जन्म। हालांकि अब तक कपल ने इस बात का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है कि बच्चे की डिलीवरी की न्यूज सामने आ गई है। बस अब इंतजार इसी बात का है कि रणवीर दीपिका खुद अपने मम्मी पापा बनने का ऐलान करें। बता दें, 7 सितंबर को जब पूरा देश गणपति बप्पा की भक्ति में जुटा था, उसी दौरान दीपिका को लिवर पेन उठा और फिर कपल को HN रिलायंस अस्पताल जाते हुए देखा गया। दोनों अपनी ब्लू कलर की कार से अस्पताल पहुंचे। इस वीडियो के आने के बाद लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद 7 सितंबर को ही गुड न्यूज मिल जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कपल को बधाई देनी शुरू कर दी और अब देखिए, 7 सितंबर को दीपिका अस्पताल में भर्ती हुई और 8 सितंबर को बेबी गर्ल की मां बन गई। हालांकि कुछ दिन पहले ये दावा किया गया था कि दीपिका की डिलीवरी 28 सितंबर को होगी और उस दिन रणवीर कपूर का जन्मदिन होता है, लेकिन उससे पहले ही गुड न्यूज सुनने को मिल गई। इस खबर के सोशल मीडिया पर आने के बाद लोग तरह तरह के कमेंट्स कह रहे हैं। कोई कह रहा है छोटी मस्तानी आ गई, तो कोई कह रहा है कि लक्ष्मी आई है। बता दें, डिलीवरी से 2 दिन पहले ही रणवीर और दीपिका परिवार समेत सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे थे। वहां रणवीर और दीपिका ने अपने होने वाले बेबी के लिए बप्पा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान दीपिका हरे रंग की बनारसी साड़ी में दिखी थी। उस दौरान ना तो उन्होंने कोई मेकअप किया था और ना ही कोई गहने पहने थे। उनके पति रणवीर सिंह उनके साथ साथ चल रहे थे। ऑफ व्हाइट पजामा कुर्ता पहने रणवीर सिंह उस दौरान अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रख रहे थे। वो बार बार उनसे पूछ रहे थे कि तुम ठीक तो हो। पहले कहा जा रहा था कि दीपिका अपने बच्चे को 28 सितंबर को जन्म देंगी। अगर वो उस दिन पैदा होती तो लता मंगेशकर और रणवीर कपूर संग अपना बर्थडे शेयर करती, लेकिन 8 सितंबर को दुनिया में आकर दीपिका की बेटी आशा भोसले संग अपना जन्मदिन शेयर कर रही हैं। हालांकि पहले दावे भी ये किए जा रहे थे कि दीपिका बेबी बॉय की मां बनने वाली हैं, लेकिन अब उनके घर लक्ष्मी आ गई हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले दीपिका और पादुकोण ने अपना मैटरनिटी फोटो शूट भी शेयर कर सुर्खियां बटोरी थी। एक्ट्रेस ने जमकर अपना बेबी फ्लॉन्ट शो किया था। पति रणवीर सिंह ने भी बीबी संग कई तस्वीरों में पोज दिया। वहीं अपने मैटरनिटी फोटोशूट के जरिए दीपिका ने एक तीर से 2 निशाने साधे थे। एक तरफ तो अपना बेबी बम्प शो कर उन्होंने प्रेगनेंसी को फेक करने वालों के मुंह पर ताले जड़ दिए। दूसरी तरफ रणवीर सिंह की बीवी ने अपना टॉप क्लास मैटरनिटी फैशन दिखाया था। बता दें, दीपिका अपनी बेटी की देखभाल के लिए अगले साल मार्च तक ब्रेक पर रहेंगी। वहीं ये भी खबर है कि मिसेस रणवीर सिंह अपनी बेटी का सारा ध्यान खुद रखेंगी। वो कोई नैनी नहीं रखेंगी, घर पर रहकर खुद अपनी नन्नी मुन्नी का ख्याल रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।